वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आज आपके लिए ब्रेड के समोसे, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है, तो मैंने इस रेसिपी में बहुत ही अच्छे से बताया है कि आप इस किस तरीके से इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, खाने के लिए बहुत ही टेस्टी रहते हैं और ये बहुत क्रिस्पी भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मसाला बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड यानी धनिया, खड़ी धनिया, और 1 टेबलस्पून फेनल सीड्स यानी सौंफ ले ली है, और फिर 1 टेबलस्पून जीरा ले लिया है, 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च ले लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे काली मिर्च भी डाल दिया है, आपके पास अगर पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए ये एक बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस देने लगेगा, तो और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अब आप इसको पीस लीजिए, आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऐसे ही इसको पीस लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, उसके बाद तेल गर्म हो जाने के बाद 2 हरी मिर्च ले ली हैं, आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 1 इंच का टुकड़ा ग्रेटेड जिंजर यानी अदरक को ग्रेट कर लिया है, वो यूज़ कर लिया है इसमें मैंने। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 3 छोटे साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और फिर इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था उसमें से 1 टेबलस्पून मसाला इसमें हम डाल देंगे, बाकी आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे, जो हमारा मसाला बचा हुआ है आप बाद में अगर कुछ कोई सब्ज़ी बनाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर यूज़ किया है। अब ये बिल्कुल समोसे जैसे आलू का टेस्ट देंगे, ये बहुत ही टेस्टी लगता है सच में। ये आलू बनके तैयार हो गए। अब मैंने यहाँ पे चॉप्ड कोरिएंडर डाल दिया है, उसके बाद अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसके अब मैंने यहाँ पे क्या एक थोड़ा सा पानी ले लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है, ऐसा हम एक घोल बना लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्रेड ले लिया है, ब्रेड का स्लाइस ले लीजिए, इसको चारों किनारों से काट दीजिए, जो हमारा जो ब्रॉड रहता है ना ये निकाल दीजिए। इसके हम ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, ये बेकार नहीं होगा, तो हम इसको अलग रख देंगे। उसके बाद आपको बेलन की सहायता से इसको बेल लेना है, इसको जेंटली आप बेल लीजिए, देखिए ये एक स्मूथ रोटी जैसे हो जाएगा। अब हम इसको बीच से काट देंगे, ये देखिए ये बीच से काट दिया है, और इसको किनारे से भी थोड़ा सा कट कर दीजिए। उसके बाद जो हमने घोल बनाया था उसको किनारों पे लगा दीजिए इसके। अब जैसे हम समोसा बनाते हैं वैसे ही हमें इसको बिल्कुल रैप करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों किनारे लेने हैं और आपस में जोड़ देने हैं अच्छे से इसको, और फिर मैंने यहाँ पर फिलिंग भर दी है। आप इसमें ज़्यादा फिलिंग नहीं भर पाएंगे क्योंकि ये छोटे समोसे हैं, जिस हिसाब का ब्रेड का साइज़ होगा आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। फिर किनारों पे आप पानी लगा दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। तो देखिए एक समोसा बनके तैयार हो गया, इसी प्रकार बाकी समोसे बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल रखा है, इसको मीडियम आँच पे तल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे समोसे डाल दिए हैं, एक तरफ पक जाने के बाद मैं इनको पलट दूँगी। तो ये समोसे बनके तैयार हो चुके हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं समोसे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैं इसी तरीके से नई नई रेसिपी लाजी लाऊंगी। तब तक के लिए आप ढेर सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।